हमारे साथ एक और बड़े धारदार प्रवक्ता यहाँ आ गए हैं, AIMIM के असीम वकार, नाम ही काफी है। असीम वकार जी, बहुत स्वागत है। और ये जो सेशन है आपको विदित होगा ही, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूँ, अब की बार क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार, ये सेशन है जिसके अंतर्गत सब लोग अपना विचार रख रहे हैं। अभी आपके आने से पहले दोनों ही तरफ से कुछ बातें कही गई, जल्दी से आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वाजपेयी जी ने कहा कि हमारे लिए राम कभी मुद्दा नहीं थे, हमारे लिए वो लोक आस्था का विषय है, और हमने कभी इस नाम पर वोट नहीं मांगे। हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और तमाम विकास के अपने किए हुए कामों को गिनाकर जनता के बीच में जाएंगे। डॉक्टर एम एच खान के पास जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, समझ में नहीं आता। उन्होंने अलग अलग घटनाएं गिनाई, जिसमें लेटेस्ट लखीमपुर खीरी भी गिनाया, और ये कहा कि इसके बाद अब किस पर और चर्चा की जानी चाहिए समझ में नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि जातियों के आधार पर, खांचों के आधार पर बांटने का काम बीजेपी ने किया है। और उधर धर्मदास जी ये कह रहे हैं कि मंदिर तो आगे बन रहा है, लेकिन सरकार जिस तरीके से चीज़ें मैनेज कर रही है वो मैनेजमेंट मेरे समझ में नहीं आ रहा, वहाँ थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। इसलिए आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूँ मैं, राम जी करेंगे क्या बेड़ा पार। मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए सच्चाई ये है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहाँ अमेरिका में होगी। क्या बात है, इस बात पर क्या तालियां नहीं होनी चाहिए? अगर भारत में राम की नाम नहीं लिया जाएगा, उनकी बात नहीं होगी तो कहाँ होगी जी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त जो जरूरत है देश की, चुनाव उन मुद्दों पर होना चाहिए। मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मंदिर बनना चाहिए, अब ये मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान में आगे की रणनीति क्या होगी, कि जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए। सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, जितना हिंदुस्तान मेरा है उतना ही हिंदुस्तान आपका है, उतना ही हिंदुस्तान सबका है। आज हिंदुस्तान में जो मुद्दे छुप गए हैं, छुपा दिए गए हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है महंगी शिक्षा। हिंदुस्तान में शिक्षा महंगी इसलिए की जा रही है कि हर आदमी शिक्षा तक पहुंच ना पाए। अगर हिंदुस्तान का 85% बच्चा अनपढ़ गवार बना दिया जाए तो नौकरी का सवाल नहीं होगा, फिर नौकरी देंगे किसको? तो जातिवाद चलता रहेगा, 80% बना दिया जाएगा सर, तब जातिवाद चलता रहेगा। सर सर सर, देखिए चाहे आप महंत जी, आप बहुत सीनियर हैं, काबिले एहतराम हैं, लेकिन सच्चाई ये है खाना आप भी खाते हैं, पैसा आपको भी चाहिए, घर आपको भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप महंत हैं तो आप बिना खाने के रहते हैं। एक दलित को भी खाना चाहिए, एक IAS को भी खाना चाहिए, एक IPS को भी खाना चाहिए, मुसलमान को भी खाना चाहिए, हिंदू को भी खाना चाहिए। उसका इंतजाम कौन करेगा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, उसका इंतजाम कौन करेगा सर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये कैसी बात आपने कह दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक नजरिया ये भी है। कैसे नजरिया है? एयरपोर्ट आपने किसी दलित को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी गरीब को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी बैकवर्ड को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारे अडानी भाई का हक है। खाने से तात्पर्य है के जी बेसन का नाम सुना आपने? कृष्णा गोदावरी बेसन, कितने लोगों ने सुना के जी बेसन का नाम? क्या हिंदुस्तान में ऑयल नहीं निकलता है? क्या हिंदुस्तान में गैसेस नहीं निकलती हैं? आपने कभी सुना कि किसी जो हमारा नदी से जो तेल निकल रहा है या समुद्र से जो तेल निकल रहा है उस पर किसी दलित का हक है या दलित को दिया गया? क्या अंबानी भाई का हक है? आपने कभी सुना कि किसी डैम को जिससे बिजली बनती है, आपको पता है हिंदुस्तान में हाइड्रो जो पावर है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उससे बिजली बनाने की कास्ट अगर सही तरीके से निकाली जाए तो 10 पैसे आती है। 10 पैसे की बिजली डाकुओं को डैम बेचकर फिर उनसे 2 रुपए में खरीद कर हिंदुस्तान की आवाम को 8 रुपए में बेचेंगे आप? इस पर बात कौन करेगा? आसिम वकार करेंगे या आप करेंगे या कौन करेगा? आइए बात करते हैं इस पर। देखा आपने मुद्दे क्या हैं? एयरपोर्ट तक जा रही है बात, केजी बेसिन तक जा रही है बात, इन मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होंगे। अगर एयरपोर्ट या बेसिन जो भी चीजें हैं वो उन्हीं हाथों में उन्हीं संस्थानों को दी जा सकती हैं जो टेक्निकल नो हाउ और आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो उसके संचालन में, और उसका लाभ देश देश की जनता को दे सके। ऐसे केवल अगर जाति के आधार पर या गरीब के आधार पर अगर उनको सौंप दिया जाएगा
तो वो पता लगा जहां जिस स्थिति पर आज खड़े हैं उस स्थिति से भी रसातल को चले जाएंगे, ना देश को लाभ मिलेगा, ना जनता को लाभ मिलेगा और ना उनकी कीमतों को नियंत्रण रखा जा सकेगा। मैं एतराज करता हूं सर जी। सर जब हिंदुस्तान में 2014 से पहले सरकार बनाने की तैयारी आप कर रहे थे, नहीं सर, सर आपने कहा कीमतों में नियंत्रण, हाँ मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, उस वक्त जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले वाली सरकार थी उसमें पेट्रोल की कीमत 62 रुपए और 63 रुपए थी, लेकिन कच्चा तेल 148 और 158 डॉलर प्रति बैरल तक गया था। उस वक्त तो आपके यहाँ से जितने सांसद, आपकी मोहतरमा क्या नाम उनका, वो ईरानी इराकी क्या नाम है उनका, वो तो गैस का सिलेंडर सर पर रख के चल रही थी। जब 148 रुपए में तेल का कीमत थी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत थी 62 रुपए 63 रुपए, और जब हिंदुस्तान में कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 23 डॉलर प्रति बैरल हो गई, 148 और 150 से घटके 23 डॉलर, उस वक्त आपके प्रधानमंत्री जी 90 रुपए का तेल बेचेंगे। आप कीमत पे कंट्रोल रख रहे हैं या कीमत को बढ़ाकर हिंदुस्तान की आवाम को लूट रहे हैं? असीम वकार जो बात कह रहे हैं, अगर आप ये देखें लब्बुल वाब इस सेशन के विषय के हिसाब से, तो ये समझ में आता है कि चीज़ें क्या राम के नाम के इर्द गिर्द नहीं घूम रही हैं। अब जो असीम वकार ने जहां से बातचीत कहनी अपनी शुरू की कि राम मंदिर बन गया, राम की बात यहां नहीं होगी तो कहां होगी, लेकिन अब बात आगे की होगी, तो क्या अब बात जब आगे की होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां से सबसे ज़्यादा वोट जिस गंगोत्री से आते थे, क्या उस गंगोत्री में काम संपूर्ण हो गया है या ये काम निरंतर चलेगा? और दूसरा मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि साधु उनका एक वर्ग नाराज क्यों है। देखिए आपने जिक्र किया गंगोत्री का, वो दिन दुर्भाग्य का दिन होगा जब देश से गंगोत्री सूख जाएगी तो गंगा कहां से आएगी? गंगोत्री में काम मुकम्मल हुआ। सुन लीजिए एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि वहां, इसलिए आप और उधर की गंगोत्री में समस्या क्यों है? मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आप विषय है राम का और उस पर जोड़ के जो बात सामने, मैं उसका जवाब भी तार्किक और सार्थक जवाब देना चाहूंगा। वो राम के भक्त के भी भक्त हैं, उनके भी बताऊंगा। आज की तारीख में जो जिस चीज का उत्पादक होता है यानी जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो अपने उत्पादों की दर तय करता है अपने खर्चे और अपना मुनाफा सब देखकर। आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर पेट्रोलियम कंपनियों का अधिकार है, भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है, कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है, वो रेट तय करने के लिए अधिकृत वो हैं। लेकिन उसके बावजूद पेट्रोलियम मंत्रालय बना हुआ है। एक सेकेंड, और भी काम है पेट्रोलियम मंत्रालय के, भविष्य में तेल की खोज का काम तो पेट्रोलियम मंत्रालय का ही है। दूसरी बात, मैं आदरणीय आ रहा हूँ असीम वकार, बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आदरणीय स्वामी जी, लेकिन वाजपेयी जी से मुझे उम्मीद नहीं थी, आप हम सबके माननीय हैं, आप उस वक्त के विधायक हैं वाजपेयी जी जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लिवाल कोई उत्तर प्रदेश में नहीं था, उस वक्त लोग आपको जिता के भेज रहे थे। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप गुमराह मत कीजिए। आपने कहा भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है, जो मुरारजी देसाई की कपड़ा मिल उस पर सरकार का नियंत्रण, जो सलमान खुर्शीद का DPS उस पर सरकार का नियंत्रण, जो सड़क के ऊपर एक टैक्सी चल रही उस पर सरकार का नियंत्रण, वो आप बता रहे हैं कि तेल कंपनी में सरकार का नियंत्रण नहीं है? आप इस्तीफा दीजिए। सुनिए सर, आप वो विभाग हम लोग को दीजिए, हम आपको दिखाते हैं चलाकर कैसे चलाया जाता है। जो सच है वो मैंने कहा है। 24 घंटे के अंदर, सुनिए सर, अगर 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में तेल 30 रुपए लीटर ना बिक जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आपको हिंदुस्तान से। लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है, हम लोगों का जो अनुभव है असीम वकार, वो ये कहता है कि अगर चुनाव 24 घंटे के भीतर आने वाले हैं तो तेल के दाम जरूर काबू में आने लगते हैं। वैसे 24 घंटे अगर फौरन सत्ता में आने के बाद मिलने वाले हो तो ऐसा होता है कि आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। एक सेकंड, संत समाज में कुछ लोग नाराज क्यों हैं? आसिम वकार साहब की बात का एक लाइन में जवाब, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, नंबर एक। नंबर दो, मैं गेरुए वस्त्र के प्रति पूर्ण सम्मान नमन करते हुए, प्रत्येक संत आदरणीय है, पूज्य है, मेरे परिवार के भी पूज्य हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, स्वामी कर्पात्री जी महाराज की से लेकर अब तक के। मैं स्वरूपानंद जी महाराज के प्रणाम करता हूँ, चरण छूता हूँ,
जब मैं अध्यक्ष था तब भी मैं उनके आश्रम में गया था बनारस में, बाहर निकलते प्रेस ने मुझसे पूछा कि ये तो आपकी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आप इनके यहाँ जाते हैं? मैंने कहा वो मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक गुरु हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ, इसलिए प्रत्येक संत समाज के प्रति मेरी श्रद्धा है। राम मंदिर के प्रश्न पर उनसे भी मतभेद है, तो वहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़ा हूँ। इसलिए राम के मंदिर के बारे में हर संत को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन इससे ऊपर प्रत्येक संत के चरणों में नमन करना हमारा दायित्व है, भले ही उनसे किसी विषय पर मतभेद हो। सवाल ही परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।